गाइस 10,000 का बजट बिगिनर साइकिलिस्ट के लिए बहुत ही कॉमन और पॉपुलर बजट है। एक तो 10,000 रुपीज में ठीक ठाक साइकिल मिल जाती है जिससे कि आप साइकिलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट साइकिलिंग में नहीं करना चाहते हैं तो भी 10,000 रुपीज में आपको एक ठीक ठाक सा ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप भी देख रहे हैं अपने लिए एक साइकिल तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 MTB साइकिल्स के बारे में जो मिल जाएंगी आपको 10,000 के बजट में। सो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि MTB साइकिल्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, साइकिल्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इनके टायर्स की विड्थ में, हैंडल बार के डिज़ाइन में और जिन ट्रैक्स पर इनको यूज़ करना है उसमें। सो MTB यानी कि माउंटेन टेरेन बाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी ऑफ बाइक है। माउंटेन बाइक्स आर डिज़ाइन फॉर ऑफ रोड्स, फॉर रफ टेरेन एंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। MTB साइकिल्स के टायर की विड्थ जनरली 2 इंच से ज़्यादा होती है। ये एक ऑल पर्पज बाइक है जिसे आप लॉन्ग राइड, ऑफ राइड्स, ऑन राइड्स और फिटनेस के लिए भी बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेट राइडिंग पोस्चर MTB की राइड बहुत ही कंफर्टेबल है। सो गाइज, अगर अब आप ये सोच रहे हो कि गियर साइकिल्स लें या नॉन गियर साइकिल लें तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। गियर साइकिल्स का मेन बेनिफिट मिलता है आपको क्लाइंबिंग के टाइम पे इनक्लाइन ट्रैक्स पर। सो जब तक आप फ्लैट रोड्स पर राइड करते हैं तब तक गियर और नॉन गियर साइकिल का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम क्लाइंबिंग जोन में आते हैं तो ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। नॉन गियर साइकिल में तो और कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए एफर्ट्स को ही बढ़ाना पड़ता है जो टायरिंग हो सकता है। लेकिन गियर साइकिल में ऑप्शन मिल जाते हैं, आप लो गियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से बड़े आराम से क्लाइंबिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज्यादा क्लाइंबिंग जोन में जाना चाहते हैं तो आपको गियर साइकिल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको ठीक ठाक गियर साइकिल मिल जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सिंगल स्पीड ऑप्शंस के बारे में। गियर साइकिल्स के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में से भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में एक गियर साइकिल के बारे में हम बात जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल सके साइकिलिंग रिलेटेड अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिस्ट में पहली साइकिल है लीडर साइकिल्स की तरफ से हाइक प्रो। गाइस, हाइक प्रो की डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है, इसका लुक आपको पहली बार में ही जरूर पसंद आ जाएगा। हाइक प्रो आती है 27.5 इंचेस के साइज में और इसके टायर की विड्थ है 2.4 इंचेस। साइकिल में फ्रेम है हाई टेंसाइल स्टील का और इसकी शार्प एच डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। इस फ्रेम के अंदर से ही केबल्स पास हो जाती है जो इस बजट की बाइक में एक बहुत ही खास फीचर है। फ्रेम पर बने हुए हैं वाटर डेकल्स। साइकिल में मिल जाएगा आपको एलॉय स्टेम हैंडल बार, थ्रेडलेस फ्रंट सस्पेंशन है और पीछे फोक रिजिड है। आगे पीछे दोनों तरफ मिल जाते हैं ड्यूल डिस्क ब्रेक्स। साइकिल में दो जगह पर क्विक रिलीज लीवर दिए हुए हैं, एक है फ्रंट व्हील पे और दूसरा है सीट पोस्ट पर। ये दोनों ही लीवर साइकिल रिपेयरिंग के टाइम पे या फिर सीट हाइट एडजस्टमेंट के टाइम पे आपके बहुत काम आ सकते हैं। गाइस, स्टाइलिश बाइक आपको मिल जाएगी अराउंड 10,000 रुपीज में। इस बाइक का और बाकी सभी बाइक्स का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की लिस्ट में दूसरी साइकिल है गीके हैशटैग। गीके हैशटैग आपको मिल जाएगी 26 इंचेस, 27.5 इंचेस और 29 इंचेस साइजेस के ऑप्शन में। गीके हैशटैग एक प्रीमियम लुक वाली सिंगल स्पीड स्टाइलिश MTB बाइक है। ये साइकिल आती है ड्यूल डिस्क ब्रेक्स के साथ, यानी फ्रंट और रियर दोनों पर ही मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स जिनसे मिलता है पावरफुल ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, गीके हैशटैग में मिलते हैं डबल वॉल्ड एलॉय रिम्स जिनसे मिलती है काफी अच्छी स्ट्रेंथ। साइकिल में 17 इंच का स्टील का फ्रेम है जिसमें मिलते हैं सिटी जॉय और गीके हैशटैग के ग्राफिक्स जो काफी स्टाइलिश लगते हैं। इस बाइक में सस्पेंशन नहीं है और फॉक रिजिड है जो बना है स्टील से। रालसन के टायर्स हैं जो 2.125 इंचेस वाइड हैं। सीट पोस्ट पर मिल जाती है क्विक रिलीज लीवर जो सीट हाइट एडजस्ट करने में काफी काम आ सकती है। 620 मिलीमीटर का हैंडल बार है जो बना है स्टील का, स्टेम है अलॉय की। ये बाइक आपको मिल जाएगी इन सारे कलर्स में। साइकिल का प्राइस है अराउंड 9,000 रुपीज। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैंने एक गियर साइकिल को भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, बिटवीन की ST30। एक्चुअली ST30 में 7 स्पीड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो ऑलमोस्ट सिंगल स्पीड साइकिल्स के जैसे ही एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन गियर साइकिल्स का बेनिफिट भी आपको इस बाइक में मिल जाता है। ये साइकिल आती है 9,999 रुपए में। ST30 में मिलते हैं माइक्रोशिफ्ट RD के 7 स्पीड रियर डिरेलर। फ्रंट में मिलती है सिंगल चेनरिंग, यानी कि ये बाइक आती है 7 स्पीड ऑप्शंस के साथ। गियर्स को ऑपरेट करने के लिए हैंडल पर मिलते हैं राइट साइड में माइक्रोशिफ्ट के ही ग्रिप शिफ्टर्स। रॉक राइडर ST30 में मिलते हैं 26 इंच के टायर्स जो 2.125 इंचेस वाइड है। ये टायर्स आते हैं एनोडाइज ब्लैक एल्युमिनियम सिंगल वॉल्ड रिम्स के साथ। फ्रेंड्स, ST30 में फ्रंट व्हील पर मिलता है क्विक रिलीज लीवर, हैंडल बार है स्टील का जिसकी लेंथ है 620 मिलीमीटर। सीट पोस्ट पर मिलता है क्विक रिलीज लीवर। ST30 में सस्पेंशन नहीं है। ST30 में मिलते हैं कैलिपर वी ब्रेक्स। हमारी अगली साइकिल है हीरो स्प्रिंट मॉन्ग। फ्रेंड्स, हीरो स्प्रिंट मॉन्ग में टायर विड्थ के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये टायर्स आपको 2.4 इंचेस में और 3 इंचेस विड्थ में भी मिल जाएंगे।
अगर आप 3 inches wide टायर ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको एक स्लिम फैट बाइक का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। वीडियो में जो बाइक आप देख रहे हैं इसमें 3 inches wide टायर है। इसकी फ्रेम की डिजाइन काफी स्टाइलिश है। आप देख सकते हैं कि इसके फ्रेम की टॉप ट्यूब स्लोप में है और इसलिए ये शॉर्ट राइडर्स को भी सूट करता है। इस साइकिल में भी मिलते हैं आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट में मिलता है सस्पेंशन, डबल वॉल्ड अलॉय के रिम्स हैं। साइकिल में मिलती है पीयू की सैडल जो आती है क्विक रिलीज फीचर के साथ। फ्रेंड्स, इसका मैट फिनिश हैंडल बार काफी अच्छा लगता है। इसकी स्टैम अलॉय की है। ये साइकिल आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी अराउंड 9000 रुपीज में। आज की लिस्ट में हमारी अगली बाइक है टाटा स्ट्राइडर हैरिस 100। हैरिस 200 की डिजाइन भी काफी स्टाइलिश है। 17 इंच का स्टील का फ्रेम है जिस पर स्ट्राइडर और हैरिस 200 MTB के वाटर टैंकर्स मिलते हैं। इस साइकिल में फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और फ्रंट में ही मिलती है डिस्क ब्रेक, पीछे साइड में मिलती है वी ब्रेक्स। साइकिल में मिलते हैं डबल वॉल्ड अलॉय रिम्स, 27.5 इंचेस के अर्सन के टायर्स हैं जो आते हैं 2.1 इंचेस की विड्थ में। पीयू की सैडल है और सीट पोस्ट पर मिल जाता है क्विक रिलीज लीवर। अगर आप गियर साइकिल में इंटरेस्टेड हैं तो इस साइकिल का आपको गियर वर्जन भी मिल जाएगा। स्टील का ओवरसाइज हैंडल बार है और स्टैंड है अलॉय थ्रेडलेस। ये बाइक आपको मिल जाएगी 2 colors में, एक है ब्लैक और दूसरा है ब्लू। स्ट्राइडर हैरिस 200 का प्राइस है अराउंड 10,000 रुपीज। और फ्रेंड्स, आज के लिस्ट में आखिरी साइकिल है हरक्यूल्स की फ्लंक HT26T। हरक्यूल्स फ्लंक में 17 इंच का स्टील का फ्रेम है जिस पर हरक्यूल्स और फ्लंक के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ये साइकिल भी आती है फ्रंट में सस्पेंशन और आगे पीछे डिस्प्ले के साथ। हैंडल बार स्टील का है, पीयू की सैडल है और सीट पोस्ट पर मिल जाता है क्विक रिलीज लीवर। फ्रेंड्स, हरक्यूल्स फ्लंक के अलावा हरक्यूल्स की एक और बाइक जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, हरक्यूल्स टॉप स्पीड FX200 DX2। इसके फीचर्स ऑलमोस्ट हरक्यूल्स फ्लंक से मैच करते हैं। जो मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा वो दिखेगा इनकी डिजाइंस में और कलर्स में। साइकिल में 2.35 इंचेस विड्थ के टायर्स हैं, बाकी फ्रंट में सस्पेंशन है और ड्यूल डिस्क ब्रेक्स, पीयू की सैडल, सीट पोस्ट पर क्विक रिलीज लीवर इस बाइक में सेम ही है। आपको जो डिजाइन पसंद आए आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आप जिस भी बजट रेंज में बाइक ढूंढ रहे हैं आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिली होगी। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइकिलिंग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।